दोस्तों मैं फराज मलिक। अपने समाज पर कभी कभी इतनी ज्यादा घिन आती है ना, हमारे समाज के लोग इतने ज्यादा अंधे हो चुके हैं हिंदू मुस्लिम की नफरतें फैलाने में कि इनके आसपास क्या हो रहा है इनको दिखाई नहीं देता। चलो इनको दिखाई नहीं दे रहा है कोई बात नहीं, लेकिन हमारे देश के जो बड़े बड़े मुखिया हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे, इनको भी शायद ये चीजें दिखाई नहीं देती हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के लोगों की बहुत ज्यादा फिक्र रहती है, बहुत सारी मीटिंगें करते हैं कोरोना वायरस से बचाने के लिए। अभी तीसरी लहर का आता पता नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल एक बहुत अहम बैठक की थी तीसरी लहर को लेकर। बहुत ख्याल रखते हैं देश के लोगों का, वायरस से बचाना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देश के अंदर जो एक वायरस बहुत तेजी के साथ फैल रहा है कोरोना वायरस के अलावा, उससे देश को कैसे बचाएंगे? उस वायरस के चपेट में हमारे देश की बेटियां रोजाना आ रही हैं। इस वायरस से बेटियों को बचाने के लिए कभी एक अहम बैठक बुला लो। जिस तरीके से निर्भया कांड हुआ था, इसी तरीके से एक और कांड मुंबई के अंदर हुआ है और आए दिन हमारे देश की बेटियों के साथ ऐसे ऐसे दिल दहलाने वाले कारनामे अंजाम दे रहे हैं हमारे ये जो वायरस फिर रहे ना, कि कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि हमारी बेटियों के साथ इतना सब कुछ हो जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ना तो कोई सख्त ट्वीट आता है, ना कोई सख्त कार्रवाई की बात की जाती है। खामोश रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है देश के अंदर। निर्भया कांड हुआ था, ऐसा ही कांड मुंबई के अंदर हुआ। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर राबिया के साथ क्या हुआ वो आप सभी ने देखा होगा। छाती काट दी गई, प्राइवेट पार्ट में चाकू मारे गए, लेकिन आवाज किसी ने नहीं उठाई, मीडिया बिल्कुल खामोश रहा। लेकिन आज मुंबई के अंदर एक 30 साल की महिला के साथ ऑटो में बलात्कार हुआ, उसके बाद लोहे की छड़ उसके प्राइवेट पार्ट में डाली गई। आप सोच सकते हैं कितना दर्दनाक मंजर है ये। बेटियों के साथ आजकल क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सरकार बिल्कुल मौन रहती है। मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, क्या ये घटनाएं उन तक नहीं पहुंचती होंगी? दिल को दहला देने वाली, रेप करते हैं उसके बाद प्राइवेट पार्ट में चाकू मारते हैं, लोहे के रॉड घुसेड़ देते हैं, दर्दनाक मौत। मोदी जी, कोरोना वायरस से तो वैक्सीन लगाकर भी बच जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर भी बच जाएंगे, लेकिन इस वायरस से बचाने की जरूरत है देश की बेटियों को, जो बहुत तेजी के साथ हमारे देश के अंदर फैल रहा है। बेटियां सुरक्षित नहीं है, आप नारा देते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, बेटियां सुरक्षित नहीं है हमारे देश के अंदर। अभी 2 हफ्ते पहले ही राबिया सैफी के साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ है, अगर उसी वक्त उस आरोपी को सख्त सजा दे दी जाती ना, तो आज मुंबई की बेटी के साथ ये कार्ड नहीं होता। 30 साल की बेटी के साथ ऑटो में रेप किया, प्राइवेट पार्ट में रॉड डाली, उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा। लेकिन क्या होगा, आरोपी गिरफ्तार होंगे, कुछ दिन जेल में रहेंगे, उसके बाद बाहर आकर फिर वही कारनामे करेंगे। लेकिन अफसोस होता है कि ये घटनाएं जब होती है ना, तो मोदी जी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आता है, कोई आक्रामक रवैया नहीं अपनाया जाता है। भाई बेटी का मामला है, देश की बेटी के साथ इतना दर्दनाक हादसा होता है, मोदी जी आपको बोलना पड़ेगा या फिर कोई कानून बनाना पड़ेगा सख्त वाला, वरना आए दिन हमारे देश की बेटियां इस वायरस का शिकार होती रहेंगी। आज मीडिया इस मामले पर थोड़ा सा बोला है, राबिया के मामले पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुआ था मीडिया, लेकिन आज इस मामले पर बोला है, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो मीडिया अगर चाहे ना, तो 2 दिन में यह कानून बन जाएगा और फांसी भी लग जाएगी ऐसे हत्यारों को। लेकिन मीडिया भी उस मामले को ज्यादा उछालता है जिसमें मीडिया का और सरकार का ज्यादा फायदा दिखता है। यार शर्म करो कुछ तो मीडिया वालों, अगर कल आपके साथ ऐसा कहीं पर कुछ हो जाए तो सोचिए क्या होगा। किसी की बेटी, उसके साथ बलात्कार होता है, फिर उसकी मौत हो जाती है, क्या बीती होगी माँ बाप के दिल पर, यार कभी सोचा है आप लोगों ने? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।